नमस्कार जी, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, क्या हो यदि आप अपनी बाइक के अंदर हर 2 या 3 महीने में जो है कौन सेट चेंज कराएं, और जैसे ही बाइक 2 या 3 महीने चले उसके बाद उसमें हैंडल की साउंड फिर से आने लगे, क्योंकि कई बार मैकेनिक भाई जो हैं वो फॉल्ट को सही तरीके से नहीं निकाल पाते और कस्टमर को बड़ा परेशान होना पड़ता है। तो गाइज, वही चीज़ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो बाइक है स्प्लेंडर प्लस, ये एक सर्विसमैन जो पहले आर्मी में थे जवान, और उसके बाद रिटायर होने के बाद अब पुलिस में है, तो उन्होंने मेरे पास ये बाइक छोड़ी है और बोला है कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम कई बार आ चुका है, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार मैंने इस बाइक के अंदर डलवाना पड़ता है, तो आप इसका फॉल्ट निकालिए। तो मैंने बाइक को राइड किया, राइड करने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर जो साउंड आ रही है वो हैंडल टी की है। जी हाँ, जब आप कॉन्सेप्ट और हैंडल टी की साउंड जो है वो अलग अलग फीलिंग होती है, जब एक मैकेनिक जो है उसकी ट्राई करता है तो वहाँ से उसको पता लग जाता है कि हैंडल टी की प्रॉब्लम है या फिर कॉन्सेप्ट की है। तो यहाँ पर इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो डाल दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है हैंडल टी का कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसका जो हैंडल टी है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से जो हैंडल टी है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। जो सोकर है, सोकर को नीचे खींच दिया जाता है। ये प्रोसेस सेम वैसी है जैसे कि आप कौन सेट डालते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर होगा हैंडल टी नहीं डालने में। तो इस तरह से ये नट आप खोलिए यहाँ से, और हैंडल टी जो है देख सकते हैं उसमें जंग भी लग चुका है, और इस तरह से हमने इसको निकाल दिया है। और जो इसके अंदर कोन लगी है उन कोन को भी हम थोड़ी सी ऊपर से चोट लगा के और नीचे से चोट लगा के इस तरह से निकाल देते हैं, और हमारे जो दोनों कोन हैं वो निकल चुके हैं। ये हमारे पास नई हैंडल टी है, इसकी प्राइस वगैरह देख लीजिए, 800 रुपये इसकी MRP है, 2021 की है न्यू डेट की। और ये कौन सेट है जो हम स्प्लेंडर का इसके अंदर डालने वाले हैं, 290 रुपये इसकी MRP है। और इसकी पहचान ओरिजिनल की मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी एक कौन सेट पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो दूसरी कौन सेट है उस पर आपको जो है हीरो लिखा मिलेगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा फोकस करता हूँ, जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हीरो लिखा है और एक कोड भी लिखा है। और जो दूसरी कोन है उस पर मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी कोन पे यहाँ पर जो है हीरो लिखा है, थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको फोकस करके दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर कोड है। तो ये इस तरह से है, एक कोन पे ही लिखा है। कई बार मैंने देखा है ये दोनों कोन पे लिखा होता है। और अब देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए आप, ये कोन देख रहे हैं, ये कोन जो है यहाँ से लूज पड़ चुकी है। इसकी जो सीट है वो सीट जो है वो लूज पड़ चुकी है, इसलिए जो कोन सेट इसके अंदर डाला जाता है वो बार बार जो है एक टक टक की साउंड जो है वो करता रहता था। तो ये इसकी हैंडल टी है जिसको हम अब फिटिंग इसके अंदर करने वाले हैं। तो गाइस चलिए हैंडल टी फिटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें कोन सेट को डालना है। यहाँ पर जो कोन है वो एक खुले बोर का होता है और एक नेड़े बोर का। यदि आप जो नेड़े बोर का कोन है उसको इसमें डालना चाहेंगे तो वो डलेगा नहीं, और जो खुले बोर का कोन है वो जो है इसके अंदर डल जाता है आसानी से। इसको अभी आपको ऐसे नहीं डालना, यहाँ पर एक रिंग रखना है और उसके ऊपर एक वॉशर, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये कोन लगाना है। जो साफ हिस्सा है वो ऊपर रखना है, फिनिश वाला, देख सकते हैं इसमें एक फिनिश वाला हिस्सा है, एक खुरदरा होता है, जो फिनिश वाला हिस्सा है उसको आपको ऊपर रखना है इस तरह से। और एक पुरानी कोन लीजिए जो इसके अंदर से निकली है और उसके ऊपर रखिए,
और अब जो सोकर होता है सप्लेंडर प्लस का सोकर है ये, और उसको इसके ऊपर डाल के इस तरह से हिट कीजिए, और जो कोन है वो जो रिंग है उसको आप सेंटर में रखिएगा और वो इस तरह से फिटिंग हो जाता है। देख सकते हैं जो पहली कोन है वो फिटिंग हो गया। तो गाइज उसके बाद जो है हमें जो चेसी है चेसी के अंदर कोन की फिटिंग करना है। तो इस तरह से आप एक कोन लीजिए इनमें से और उसको ऊपर की साइड में फिट कर दीजिए, और पुरानी कोन लेके उसको हर एक कोना प्रॉपर तरीके से फिट कर दें ताकि जब आप बाइक की ट्राई करें तो बाइक पूरी स्मूथली चले। और ये नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी आपको जैसे आपने ऊपर की साइड में कोन को डाला है वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक कोन को डालना है। तो यहाँ पर भी हम एक कोन को डाल देते हैं इस तरह से, यहाँ पर इसको उसी तरीके से फिटिंग करें जैसे आपने ऊपर का कोन फिटिंग किया था, और इस तरह से ये कोन जो है वो फिटिंग हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो कोन आपने लगाया है हैंडल टी पे उस पर ग्रीस लगाएं, और जो कोन यहाँ पे है उन पर भी ग्रीस लगाएं, और जब इस पर ग्रीसिंग हो जाए तब जो गोली है वो गोली यहाँ पर चिपका दें। और ऊपर की जो साइड है उस पर भी गोली लगाते रहें और जो नीचे की साइड है उस पर भी, जैसे ये काम आपके सामने हो रहा है और गोलियां जो है हमने प्रॉपर तरीके से लगा दी हैं। अब हैंडल टी को इस तरह से डाल दीजिए और जो कोन बची है उसका साफ हिस्सा नीचे रखिए ताकि वो गोली पर टच हो सके, खुरदरा हिस्सा ऊपर की तरफ, और उसके ऊपर जो नट आपने खोला था उसको लगा दीजिए। तो गाइस आगे की प्रोसेस सेम वैसी है, आपने इसको टाइट कर देना है और अब इसका जो व्हील वगैरह है उसको लगाइए और इस तरह से सॉकर वगैरह वापस से डाल दीजिए और हैंडल वगैरह के नट लगा दीजिए। तो इस तरह से जो है हमारी जो बाइक है वो फिटिंग हो चुकी है नई टी के साथ। तो गाइस अब ये बाइक जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इसकी थोड़ी ट्राई करें 5-7 किलोमीटर गड्ढों में ट्राई करने के बाद जो है इसका कोन सेट थोड़ा सा लूज होगा, साउंड करेगा, उसके बाद आप जो है उसको दोबारा से इस तरह से टाइट कर दें। ये टाइट करना ज़रूरी है, 5-7 किलोमीटर गड्ढों में ज़रूर चलाएं ताकि जो हैंडल है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो सके। तो गाइस ये बाइक अब पूरी तरह से फिट हो चुकी है। इस तरह से यदि आपके पास बार बार कोन सेट ख़राब होता है तो उसकी हैंडल टी चेंज कर दें चेक करके कि कौन लूज है या नहीं। तो गाइस इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।